Hello everyone. So let's see our next example of chemical bonding. तो बोल रहा है कि predict the shape of the following ions. तो चार examples दिए हैं, हमें उनका shapes बताना है. तो सबसे पहले इनका structures देते हैं. सबसे first BeF3 देखते हैं. तो beryllium ऐसे तो दो bonds बनाता है, but here वो तीन bonds बना रहा है fluorine के साथ. So the shape of beryllium will be what? It will be trigonal biplane, trigonal planar. या तो कह सकते हैं triangular, right? इसके पास एक extra electron आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये तीन bonds बना ले रहा है, right? नहीं तो वैसे तो beryllium दो ही bonds बनाता है. तो अब इसकी इसके पास कोई भी lone pair नहीं है. इसका steric number is 3. तो मतलब ये sp2 hybridized है, मतलब ये triangular है, या तो trigonal planar भी बोल सकते हैं. तो ये तो डन. नाउ सेकेंड देखते हैं BF4-, इसका शेप भी कुछ ऐसे ही होगा. बोरॉन तीन बॉन्ड्स बना पाता है बिकॉज उसके उसके पास तीन आई मीन एक्साइटेड आई मीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट? और बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, उसकी वजह से उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आता है, उसकी वजह से वो चार बॉन्ड्स बना लेता है. अब जब भी अब बोरॉन ने चार बॉन्ड्स बनाया है और उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप क्या होगा? इसका शेप विल बी टेट्राहेड्रल, राइट? बिकॉज इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा, बिकॉज इसने तीन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बनाया है और एक भी लोन पेयर नहीं है. तो स्टेरिक नंबर इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. सो इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल आया, राइट? तो सेकेंड इज ऑल्सो डन. नाउ थर्ड केस देखते हैं. अब अगर थर्ड केस में देखेंगे तो आयोडीन ने कितने बॉन्ड्स बनाया है? चार बॉन्ड्स, ओके? फ्लोरीन के साथ चार बॉन्ड्स. एंड नाउ चार बॉन्ड्स बनाने के बाद उसके पास लोन पेयर्स कितने हैं? उसके पास दो लोन पेयर्स हैं, बिकॉज आयोडीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. चार तो ये शेयर हो गए, चार शेयर हो गए, बचे तीन, और उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो देयरफॉर उसके पास कितने लोन पेयर्स हो गए? दो लोन पेयर्स हो गए. अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं चेक करूँ तो क्या आएगा? चार सिग्मा बॉन्ड्स और दो लोन पेयर, मतलब छः, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया. अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया तो जो इसकी ज्योमेट्री है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल होगी, बट उसके पास जो लोन पेयर है उसकी वजह से ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा. ये चार बॉन्ड्स एक प्लेन में होते हैं और ऊपर ऊपर और एक नीचे, आई मीन ये एक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन देर आर टू मोर बॉन्ड्स, बट यहाँ पे वो दो नहीं हैं बिकॉज उनकी जगह पे लोन पेयर हैं. तो इसका शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर, राइट? sp3d2 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, जबकि इसका ज्योमेट्री है दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, जिसको बोल सकते हैं. नाउ लास्ट केस देखिए, इसमें IBr2, तो आयोडीन ने दो बॉन्ड्स बनाया है ब्रोमीन के साथ, आयोडीन ने दो बॉन्ड्स बनाया है ब्रोमीन के साथ, एंड इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं? लेट मी सी, दो बॉन्ड्स बनाया है तो देर विल बी थ्री लोन पेयर्स, तीन लोन पेयर्स इसके पास होंगे, बिकॉज एक नेगेटिव चार्ज आ गया, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो आयोडीन की जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के पास वो सेवन होते हैं, तो उसमें से दो ने बॉन्ड्स बना दिया, तो बचे कितने? फाइव प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आके एक इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट? तो मतलब इसके पास टोटल छः वैलेंस लोन पेयर्स हैं. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन विल बी इट विल बी sp2, sp3, sp3d. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, राइट? बिकॉज का स्टेरिक नंबर इज 1, 2, 3, 4, 5 इज द स्टेरिक नंबर. तो sp3d हाइब्रिडाइज.
अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसका तो, और इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो इसका जो शेप है दैट कैन नॉट बी लीनियर, बिकॉज ये जो लोन पेयर्स हैं ये रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, तो ये इसको यहाँ स्लाइटली अंदर अंदर की तरफ मूव करा देंगे, तो जिसकी वजह से इसका शेप है वो लीनियर नहीं हो पाता, तो वो एक एंगुलर शेप में होता है, या तो बेंट बोल सकते हैं, या तो एंगुलर बोल सकते हैं, या तो वी शेप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देर इज़ अ करेक्शन, दिस इज़ नॉट लीनियर, दिस इज़ एंगुलर, ये एंगुलर है, या तो फिर इट इज़ बेंट वी शेप। ओके, सो दीज आर, सो इस तरह से हम लाइक सबके शेप्स बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।